हे गाइज, मैं हूँ राज और आप सबका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ज्ञान स्रोत में। दोस्तों, अगर आपने कोरोना वायरस का वैक्सीन लिया है और आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप कोरोना वायरस का वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन कर लेना है। ये मैंने यहाँ पे ब्राउजर ओपन कर लिया और ब्राउजर ओपन होने के बाद आपको गूगल में टाइप करना है कोविन और इंटर प्रेस कर देना है। कोविन टाइप करने के बाद मैंने इंटर प्रेस किया, देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ सबसे ऊपर में कोविन लिखा हुआ आएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगा और इस वेबसाइट का जो एड्रेस है, इस एड्रेस को मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी डायरेक्टली आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। अब आपको क्या काम करना है, जो भी सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है वैक्सीन का, उसके लिए आपको क्या काम करना है, यहां पे वैक्सीनेशन सर्विसेज पे जाना है और क्लिक करना है। देन आपके सामने ड्रॉप डाउन मेनू ओपन हो जाएगा और यहाँ सबसे नीचे में आप देखेंगे डाउनलोड सर्टिफिकेट, तो डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक न्यू टैब में कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर और साइन इन फॉर वैक्सीनेशन, इंटर योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है। ध्यान दें, आप यहाँ पे वही मोबाइल नंबर दें जो मोबाइल नंबर आपने वैक्सीन लेते टाइम में दिया था। तो जब भी आपने वैक्सीन लिया है उस टाइम में आपने एक मोबाइल नंबर दिया होगा, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालना है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ। ये मैंने मोबाइल नंबर डाला और गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। देन आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए मैं ओटीपी फिल करता हूँ। फिल करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। देन देखिए आपके सामने फिर से एक अकाउंट डिटेल्स आ गया होगा और यहाँ पर देखिए आपके मोबाइल नंबर से जितने भी लोग ऐड हैं वो सारे यहाँ पर शो करेंगे। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे दो लोग ऐड हैं जिनमें एक मैं हूँ, मेरा नाम राज आर्यन यहाँ पे, और यहाँ पे फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने कोविडशील्ड लिया था। देन अब आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे एक सर्टिफिकेट का ऑप्शन होगा, तो आपको सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है। सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही देखिए इधर में ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। अब आप चाहे तो इसको आप ओपन करके देख सकते हैं। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं और इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पे आपका नाम आ चुका है, एज आ चुका है, मेल आ गया, यहां पे आधार नंबर आ गया और यहां पे यूनिक हेल्थ आईडी आ गया, रेफरेंस आईडी आ गया, कौन सा वैक्सीन आपने लिया है वो आ गया, पहली खुराक कब लिया था, सेकेंड डोज कब लिया था, ये सारे आ गए हैं। ठीक, आपके जो भी आपको टीका लगाया था उसका नाम क्या था वो आ गया और कहाँ पे लगवाया था वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आप अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और इसको चाहे तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं और प्रिंट करके रख भी सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं वो भी खुद से। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।